उत्तराखंड की दो बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस में लोकसभा सीट की दावेदारी को लेकर होड़ सी मच गई है। आपको बता दें कि पर्वतीय क्षेत्रों से भी हरिद्वार की हॉट सीट को लेकर प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी क्रम में गुप्तकाशी से कांग्रेसी नेता आलोक बगवाड़ी शुक्रवार को हरिद्वार पहुंचे, जहां पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि हरिद्वार की सीट पर युवा होने के नाते हम अपनी दावेदारी पेश करने आए हैं, क्योंकि पहले भी इस सीट पर हमारे माननीय सांसद हरीश रावत विजय हुए थे। इसके तहत ही कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सूरज नेगी ने कहा कि इस बार हरिद्वार की ये सीट कांग्रेस के नाम है, हम कुछ युवा नेताओं को आगे लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि युवा हाथों में बागडोर आएगी, तभी हरिद्वार का विकास होगा। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। हरिद्वार लोकसभा चुनाव ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, यहाँ हरिद्वार जिस हिसाब से जहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, गंगा मैया क्षेत्र जितना हजारों लाखों आदमी यात्री आता है उनके लिए सुविधा नहीं हो पाती है। एंड टाइम में सरकार की यात्रा आते आते रोक दी जाती है चार धाम के लिए कि यहाँ से यात्रा ऊपर नहीं जा पाएगी, बिराउट रजिस्ट्रेशन का नहीं जा पाएगी यात्रा। उसका कारण क्या है? जब यात्रा के लिए पहले रजिस्ट्रेशन वाली बात कर दी जाए तो ज़्यादा बढ़िया, जब यहाँ आने के बाद लोग हजारों किलोमीटर चलने के बाद यहाँ यात्रा को रोक दी जाती है, फिर उनको वापस भेज दिया जाता है, रास्ते से यात्रियों को वापस भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद जो केदारनाथ जी का सोना चोरी का मामला है, उस मामले में कुछ नहीं पाया, जोशीमठ की आपदा का कारण हुआ वो नहीं कर पाया। जब तक यहाँ से सरकार की तरफ से कोई रह नहीं पाएगा तो सरकार का कोई विरोध कर नहीं पा रहा, तो इसलिए सरकार अपनी मनमानी करती है। इसलिए हम चाहते हैं सरकार, मतलब ये है कि हम लोग सरकार में उसमें जाएं, विपक्ष में रहें और या जीत के जाते हैं तो सरकार के उसमें अपनी बात मनवा सके। हरिद्वार लोकसभा सीट से हमारे युवा दावेदार हैं, इन्होंने भी जो है यहाँ पे जो है लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, और अगर पार्टी हाईकमान ने इनको आशीर्वाद दिया तो आने वाले समय में हम जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक वैचारिक जो हमारी लड़ाई है उसको अंजाम तक ले जाएंगे। और चाहे हमारे आलोक बगवाड़ी जी को टिकट मिले या तेलुराम जी को मिले या पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को टिकट मिलता है, तो सब के सब लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लामबंद होकर के जो है हरिद्वार सीट को जो है कांग्रेस की झोली में डालने का काम करेंगे।